मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी नेता जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच पैठ बनाने और अपनी योजनाएं समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी की प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी वरिष्ठ नेता उमा भारती लगातार नज़रअंदाज करने का आरोप लगा रही हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निमंत्रण नहीं मिलने के बाद काफ़ी नाराज बताई जा रही और इसी को लेकर उनका दर्द छलक गया है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने चेतावनी के साथ ही अपने चुनावी संन्यास को भी खत्म कर दिया है। एक बार वो फिर से चुनावी राजनीति में वापस आने वाली हैं। आज तक से बात करते हुए उमा भारती ने एक बार फिर से चुनावी राजनीति में आने के संकेत दिए। टीवी इंटरव्यू में उमा भारती ने कहा कि साल 2019 में मैंने कहा था कि मैं 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं 27 साल की उम्र में पहली बार चुनाव लड़ी थी, 6 बार सांसद रही, 2 बार विधायक रही, 11 साल केंद्र में मंत्री रही और मुख्यमंत्री भी रही। उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल का ब्रेक मांगा था मैंने और वो मुझे दिया गया। गंगा का मैंने काम किया और यात्रा की। अब 2024 में चुनाव जरूर लड़ूंगी। यानी इसी के साथ साफ हो गया है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी राजनीति में आने वाली। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। इस कार्यक्रम का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं 64 वर्ष की उमा भारती ने कहा कि हो सकता है वे, उनके कहने मतलब वे से था, भाजपा नेता हो सकता है घबरा गए हों, क्योंकि मैं अगर वहां रहूंगी तो पूरी जनता मुझ पर फोकस रखेगी। उमा भारती ने कहा कि हमारी पार्टी में उपभोक्तावाद आ गया है, उपयोग करो और फेंको, ये सहन नहीं किया जाएगा। पार्टी मेरी सब कुछ है, पार्टी की बुराइयां दूर करूंगी। जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाया जाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया गया ये तो पूछूंगी। बीजेपी ने मुझसे राजनीतिक संबंध तोड़े हैं, बैनर पोस्टर में नाम फोटो तक नहीं दिए, ये अच्छी बात नहीं। उमा भारती ने आगे ये भी कहा कि अगर उन्हें निमंत्रण भी मिलता तो वो अब नहीं जाएंगी। कभी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बेहद करीबी रहीं उमा भारती ने एक बात कही, वो भी सिंधिया को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कम से कम यात्रा के शुभारंभ में आमंत्रित किए जाने योग्य तो थी। भले ही मैं वहां न जाती, लेकिन फिर भी आगामी चुनाव में मैं बीजेपी के लिए प्रचार करूंगी, वोट मांगूंगी। बीजेपी ने अभी तक इस चूक पर अभी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर के निशाना साधना शुरू कर दिया है और वरिष्ठों के अपमान का मामला बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक उमा भारती जी को दरकिनार किया जा रहा है। आपको बता दें, साल 2003 में उमा भारती ने 3/4 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर सत्ता पाई थी और उसके बाद उन्हें साल 2005 में अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन साल 2011 में उनकी दोबारा वापसी हुई थी। हालांकि तब से बीजेपी का भी कहा जाए तो सत्ता में उनकी वापसी कराने में उमा भारती का अहम योगदान रहा, भले ही वो मुख्यमंत्री कुछ ही समय के लिए रही हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।